हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल अस्मिति कुक फैन फिक्शन। इवन आफ्टर 1000 बट यू विल नेवर मेक मी योर्स कम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 2 घंटे बाद अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ नीचे आ जाता है। वो आने के बाद नीचे आसपास कुकी को ढूंढता है, तब वो देखता है कुकी जो तीसा के लिए उसकी मिल्क शेक रेडी कर रहा था। तब टाउंग कुकी के पास जाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझसे और क्या क्या छुपा हो, मैं हर एक चीज़ का आंसर चाहती हूँ। तब कुकी टाउंग की तरफ देखता है, फिर तीसा को उसकी मिल्क शेक देते हुए कहता है, तुम अपने रूम में चले जाओ, मुझे तुम्हारे डैड के साथ इंपॉर्टेंट बातें करना है। तब तीसा हाँ कहते हुए जो तुरंत अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब कुकी कहता है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं छुपाए हूँ। तब टाउंग कहता है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, अब मुझे सीधा सीधा बोलो और क्या क्या छुपाए हो। तब कुकी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अब वो फील नहीं कर पाती हूँ जो मैं पहले करता था, आप खुश हो। तब टाउंग गुस्से में आकर कुकी को कहता है, तो फिर ये सब कुछ तुम छुपा रहे थे, तुम अब मेरे लिए फील भी नहीं रखते हो, तो फिर मेरे साथ इतने टाइम से रह क्यों रहे हो। तब कुकी कहते हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, इसी वजह से मैं रह रही हूँ, वरना मुझे खुद भी शौक नहीं है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से ब्लेम कर रहे हो जैसे मैं ही सारी गलती क्या हो, गलती तुमने क्या हो, और तुम इसके बारे में कभी भी एक्सेप्ट भी नहीं करोगे क्योंकि तुम तो तीसा की मॉम से प्यार करते थे, और अब तुम क्या बोलोगे मुझे बोलो। तब टाउंग कहता है, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ उसे हेल्प कर रहा था और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी अलावा किसी को ट्रस्ट तक नहीं किया हूँ, पर फिर भी तुम ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तब कुकी कहता है, क्योंकि तुम ट्रस्ट करने की कोई बात ही नहीं छोड़े हो, तो फिर मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती ट्रस्ट। तब ये सुनकर टाउंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है, तुम सच में अब मुझे लेकर इतने ज़्यादा निस्तक सोचते हो। तब कुकी कहता है, बहुत पहले ही मेरी सोच बदल गया था, तुम भी इस वर्ल्ड के बाकी लोगों की तरह ही हो, तुम सबसे ज़्यादा स्पेशल नहीं हो जैसा मैं शुरुआत में फील करता था। तब इस बार टाउंग जो कुकी को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिस वजह से कुकी की बैग जो वॉल के साथ जाकर टकरा जाता है। तब टाउंग तुरंत कुकी की शोल्डर के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए अपनी कोल वॉइस में कहता है, तो फिर अब तुम मुझे लेकर इतने ज़्यादा निस्तक सोचने लगे हो, तुम भी अब पूरी तरह से बदल गया हो, तुम कैसे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्या हो, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा हो कुकी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तब कुकी अपना इसको रोल करते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें 1000 बार मैं कह चुका हूँ, मैं अब तुम्हें लेकर वही फील नहीं कर पाती हूँ, और तुम्हें मानो या तो ना मानो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तब टाउंग गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कुकी के नेक के पास अपने हाथ लेकर जाता है और उसकी नेक की हिकी को सॉफ्टली टच करते हुए कहता है, तो फिर ये सब कुछ क्या था, कल रात भी हम लोग इंटीमेट हुए थे, तो फिर अब तुम मुझे क्या बोलोगे। तब कुकी कहता है, मेरा सिर्फ एक काम था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब टाउंग कहता है, काम इसमें एक कोई भी वर्क या तो मजबूरी नहीं है जिसे तुम्हें करना ही होगा। तब कुकी कहता है, मेरे लिए यह सिर्फ एक वर्क है और कुछ भी नहीं है। तब टाउंग इस बार गुस्से में आकर कुकी के कान के पास ही वॉल पर बहुत ज़ोर से पंच मारता है, जिस वजह से कुकी और भी ज़्यादा डर जाता है, पर वो जो अपने फेस पर नहीं दिखाता है। तब टाउंग गुस्से में कहता है, मुझे लगता है अब सच में हम दोनों को अलग होना चाहिए, और यही कहकर टाउंग वहाँ से चला जाता है। तब कुकी जो सिर्फ टाउंग की तरफ ही देख रहा था और उसकी आइस रेड हो जाता है और कुछ सेकंड बाद उसकी आइस से आंसू गिर जाता है, पर वो तुरंत ही उसे पोस लेता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, सिर्फ तुम्हें एक रीज़न चाहिए था और मैं वो दे दिया हूँ, अब तुम अपनी जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ रह सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम्हें सिर्फ एक रीज़न ही चाहिए था मुझे ये सारे शब्द बोलने के लिए। और ये कहकर कुकी अपने आंसू को पोस लेता है क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ इनफ हो गया था। वो टाउंग की पीठ पीछे कितने ज़्यादा रोता है वो खुद ही जानता है, क्योंकि उसे हमेशा से डर रहता है टाउंग उसे छोड़ देगा, और वो आज जानता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। और कुकी जो कुछ मिनट तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है, फिर वो जो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाकर जो अपनी पैकिंग करने लगता है। टाउंग जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और
वो अपने स्टडी रूम में गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा था और चिल्ला रहा था और चिल्ला कर क्या था, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो कुकी, मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, पर फिर भी तुम ऐसा क्या हो, तुम क्यों ये सब कुछ क्या हो। और एक हैकर तंग जो अपने स्टडी रूम के सब कुछ तोड़ देता है, फिर तंग जब थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है तब वो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम अब जो चाहे वो सोच क्यों ना लो, अब ये सब कुछ इनफ हो गया है और मुझे लगता है अब सच में तुम्हें एक पनिश पाने की ज़रूरत है और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किम ताऊ क्या क्या कर सकता है। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम ट्राई कर लो। और ये कहकर ताऊ अपने रूम में चला जाता है। तब वो जाकर देखता है कुकी अपने सारे पैकिंग ख़त्म कर लिया था। तब तंग गुस्से में जाकर कुकी के हाथ से उसकी क्लोथ को ले लेता है और जल्दी से उसे अलमीरा में फिर से रखने लगता है। तब कुकी जो ताऊ को कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्या कर रहे हो तुम। तब ताऊ कहता है, चुप रहोगे, तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो। तब कुकी कहता है, मेरी जल्दी से क्लोथ को दो और तुम इसे क्लोजेट में नहीं रख सकते हो, मैं जाने वाली हूँ, तुमने कहा था ना। तब ताऊ कहता है, मैं गुस्से में थी, तुम नहीं जाओगे। तब कुकी कहता है, मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तब ताऊ कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, तो फिर अब चुपचाप यहाँ पर रहो। तब कुकी कहता है, चुप करो ताऊ, ये सब कुछ इनफ हो गया है। तब ताऊ कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग फिर से सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तब कुकी कहता है, स्टार्ट करने वाला कुछ है ही नहीं, तो फिर स्टार्ट क्या करेंगे। तब ताऊ कहता है, स्टार्ट करने वाला सब कुछ है, हम लोग अगर एक साथ रह सकते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हम लोग एक साथ रहेंगे और हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। मैं जानती हूँ मैं फर्स्ट में उसे लेकर आकर बहुत बड़ा गलती किया हो, उसने तुम्हारी ब्रेन वॉश किया है, मुझे पता है, पर तुम्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता कि मैं सच में तुम्हें धोखा देता तो फिर तुम्हें क्या पता नहीं चल जाता, तुम क्या देखे नहीं, मैं कभी भी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था जब मैं तुम्हारे साथ था, तो फिर तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो। ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इसे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, अब प्लीज़ मुझे सिर्फ गुस्सा मत दिलाओ। तब कुकी कहता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ तो फिर मैं किस तरह से तुम्हें सांस दूंगी। तब ताऊ कहता है, प्लीज़ कुकी, सिर्फ एक सांस दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब कुकी एक लंबा सांस सुनता है और कहता है, जो मर्जी हो करो। और ये कहकर वो जो ताऊ को नहीं रुकता है। तब ताऊ जो कुकी के सारे क्लोथ और उसके सारे पैकिंग केसेस को फिर से उसकी सही जगह पर रख देता है और उसकी बात कहता है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब कुकी सिर्फ अपना इसको रोल कर लेता है। तब ताऊ इसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि किस तरह से कुकी अब ताऊ को इग्नोर कर रहा है, पर ताऊ खुद भी उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो कुकी के ऊपर अब अपने गुस्सा निकालना नहीं चाहता है। और उन लोगों के बीच में सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। रात के टाइम पर भी कुकी और ताऊ जो एक साथ ज़्यादा बातें नहीं करते थे, वो दोनों बेड के दोनों साइड इस तरह से लेट जाता था जैसे वो दोनों अनजान इंसान हैं, सिर्फ एक साथ रह रहा है। और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कुकी के साथ बातें करने की कोशिश करता है पर कुकी जो हर वक्त उसे रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से तंग बोल भी नहीं सकता है, वो कैसा फील कर रहा था। सब लोग जब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तब डोर बेल बजने लगता है। तब कुकी अपने सिर से उठकर डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। वो जब डोर को ओपन करता है तब कुकी जो एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, पर वो डोर के साइड से हट जाता है क्योंकि वो सालों बाद वही लेडी को देख पाया था जो ताऊ को एक टाइम पर खुद की लबर कह रहा था। तब तिशा की मॉम जो जंकुक को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम अभी भी यहाँ पर हो। तब जंकुक कहता है, क्या चाहिए। तब तिशा की मॉम कहता है, मेरी लबर और मेरी डॉटर। तब ये सुनकर कुकी अपने आइस को बंद कर लेता है और क्या था ब्रेकफास्ट कर रहा है। तब तिशा की मॉम डाइनिंग रूम में चला जाता है। तब डाइनिंग रूम में जब ताऊ तिशा की मॉम को देखता है तब अचानक से शॉक हो जाता है, सालों बाद वो तिशा की मॉम को देख पा रहा था। तब तिशा की मॉम जो एक बार तिशा और ताऊ की तरफ देखता है और स्माइल करता है। तब तिशा जो कॉन्फ्यूज था, तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में क्या थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। तब तिशा की मम क्या थे, क्यों मैं क्या यहाँ पर मेरी डॉटर के साथ मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ। तब ताऊ कहते हैं, बकवास की एक्टिंग करना बंद करो, तुम कुकी को क्या झूठ कहे थे। तब तिशा की मम क्या थे, मैं कोई भी झूठ नहीं कहा था। तब ताऊ कहते हैं, वो रेले तुमने झूठ नहीं कहा था, तो फिर
ये सब कुछ क्या था कि मैं तुम्हारी लबर थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फिर भी तुमने उसे झूठ कहा हो। तब तिशा की मम क्या थे सच था। तब त्यांग जो गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए क्या है, मुझे अब ये करने के लिए मजबूर बिल्कुल भी मत करना, जो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। तब तिशा की मम एकदम कॉन्फिडेंट के साथ क्या है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बुरा बन जाओ पहले की तरह। तब त्यांग और भी ज्यादा गुस्से में आकर क्या है, तुम अभी भी अपनी एक्टिंग करना भूले नहीं हो राइट। तब तिशा की मम त्यांग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो जो तिशा की तरफ देखता है। तब तिशा जो कॉन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तब तिशा की मम तिशा के पास जाते हुए उसकी फेस को सॉफ्टली टच करते हुए क्या है, मैं हूँ तुम्हारी रियल मम। तब तिशा जो कॉन्फ्यूज था पर वो कुकी की तरफ देखता है और क्या है, मिस आपको गलत फैमिली हो रहा है, मेरी मम ऑलरेडी है। तब तिशा क्या है, वो नहीं है, अगर तुम्हें टेस्ट नहीं है तो फिर उससे ही पूछ लो क्योंकि मैं तुम्हारी रियल मम हूँ। तब ये सुनकर तिशा कुकी की तरफ देखता है। तब कुकी कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तिशा क्या है, फिर भी मैं टेस्ट नहीं करती हूँ। तब त्यांग कहता है, तुम बन भी नहीं सकते हो जस्ट बिकॉज क्यों तुम जानते हो, क्योंकि तुम उस टाइम पर उसे छोड़कर चले गए थे जब उसकी एज सिर्फ और सिर्फ एक दिन था, और तुम यहाँ पर अब उसे बोलने के लिए हो कि तुम उसकी मॉम हो। क्या चाहते हो तुम, तुम किस वजह से फिर से यहाँ पर वापस आए हो? तुम्हारी वजह से अब मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें एक ही सेकेंड में मार सकती हूँ। तो फिर यहाँ से अच्छा होगा कि तुम चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से मैस हो गया है। तब तिशा की मॉम क्या है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ अगर तुम इस कुकी को अपनी लाइफ से धक्का मार के निकाल दोगे तो। तब त्यांग क्या है, तुम्हारे जैसे स्लट को कौन एक्सेप्ट करेगा, सच में तुम्हें ऐसा लगता भी है? पहले तो किसी और की बेबी को तुम लेकर आकर कहते हो कि मेरा है, और ये सारी बात तुम मुझे नहीं कहते हो, सीधा कुकी को जाकर कहते हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और तुम कुकी के कान भड़काने की कोशिश किया हो और तुम इसमें सक्सेस भी हो गए हो राइट, और तुम यहाँ पर अब तिशा को भी सुनने के लिए आए हो, तो फिर बोल दूँ कि तिशा अब तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम उसे सालों पहले हॉस्पिटल में सुर कर चले गए थे। तब तिशा की मम क्या आया था, मैं क्या नहीं करती हूँ तिशा, तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ कुछ रीज़न की वजह से यहाँ से चले गई थी क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तब तिशा ये सुनकर कॉन्फ्यूज था। तब कुकी जो सिर्फ एक लंबा सांस लेता है क्योंकि कुकी को दोनों की बातों में से किसी की बात पर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तब तिशा की मम कहता है, जो भी हो त्यांग, तुम मुझे अच्छे से एक्सेप्ट करोगे या तो अब मुझे इस बारे में अब लोगों को बोलना होगा। तब त्यांग कहता है, किस बारे में बोलोगे तुम? तब तिशा की मम कहते हैं, यही कि तिशा मेरी और तुम्हारी डॉटर है। तब त्यांग कहते हैं, तुम्हारी छूट पर कौन टेस्ट करेगा? तब तिशा की मम कहते हैं, क्यों नहीं करेगा, पहली बात तुम जानते हो कि तुम्हारी कुकी ने आज तक तुम्हें एक भी बेबी तक नहीं दिया है, तो फिर अब तिशा आया कहाँ से है, और इस बारे में क्वेश्चन जरूर उठेगा, तो फिर अब अच्छा होगा कि तुम अपने आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से फंसा सकती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो सालों पहले तुमने ही मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दिए थे, और इस बारे में कुछ लोगों को पता भी है, और तुम अगर नहीं चाहते हो मैं इस बारे में अब सब कुछ लीक करूँ तो फिर यही बात अच्छा होगा कि तुम अब ये सब कुछ भूल जाओ। तब त्यांग कहता है, जैसे मैं तुमसे डरती हूँ चाहे जो मर्जी हो कर लो, पर मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ इतनी ही ज़्यादा इसलिए किया हो? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं तिशा को एडॉप्ट किया हूँ, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ये भी एक्सेप्ट किया है, और मेरे पास इसके पेपर्स भी है, तो फिर मुझे अब ये बिल्कुल भी मत कहना ठीक है, क्योंकि तुम मुझे यहाँ की बाकी लोगों की तरह ही फूल समझ सकते हो, जो किसी को भी अडोप्ट करने के लिए पहले एक बार पेपर या तो कोई भी आयनी तौर पर उसे अडोप्ट नहीं करेगा, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि तुम जानते हो मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ काम करना पसंद करती हूँ, और मुझे पता था एक दिन न एक दिन ऐसा आएगा ही, और इसी वजह से मैं ऐसा क्या था, और जस्ट बिकॉज मैं अच्छा ही क्या था कि मैं ऐसा क्या था, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर मैं अब देख सकती हूँ मैं बुरी तरह से फंस सकती थी। तब तिशा की मम गुस्से से कहते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही होता हूँ जल्दी से मुझे एक्सेप्ट करो वरना ये बुरा हो जाएगा तिशा, और
मैम और तुम एक साथ बहुत ही हैप्पीली रहेंगे। तुम इस कुकी के साथ खुशी से नहीं रह सकते हो। तुम्हारी शादी के कितने साल हो गया है, पर देखो तुम लोग अब तक पेरेंट्स नहीं हो, तो फिर प्लीज़ मेरे साथ रहो। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में क्या थे, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी तब एक गलत डिसीजन की वजह से हुआ है। मैं अगर तुम्हें उस टाइम पर हेल्प करने के बारे में नहीं सोचता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अभी अगर तुम बाहर नहीं जाते हो तो फिर मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्का मार के निकाल दूंगी। तब तीशे की मम जो उसे कुछ कहना चाहता था, पर उसके पहले ही तंग जो चिल्लाकर गार्ड को बुलाने लगता है। तब गार्ड जो डोर के बाहर था, वो लोग जो तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत घर के अंदर आ जाता है। और वो लोग आने के बाद ही तंग कहते हैं, अभी इसे यहाँ से बाहर धक्का मार के निकाल दो, और दूसरी बार मैं उसे मेरे घर के आसपास भी नहीं देखना चाहती हूँ। तब गार्ड तुरंत हाँ कह देता है और उसे लेकर जाने लगता है। तब तीशा की मॉम जो चिल्लाकर तीशा को कहता है, तीशा मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, और एक कुकी जो मेरी और तुम्हारे डैड के बीच में आ रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और ये कहकर ओम जो बार बार चिल्लाने लगता है। तब तीशा बीबी कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था। फिर कुछ जानने के बाद तंग कुकी की तरफ देखता है और कुकी को कहते हैं, प्लीज़ कुकी अब तो तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना। तब कुकी अपने आइस को रोल करके कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहकर वो जो जाने लगता है, पर अचानक से ही कुकी जो अपने सामने सब कुछ डर के देखने लगता है और तुरंत ही जो सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। तब इसे देखने के बाद तंग खुद भी जो पूरी तरह से शॉक था, और वो तुरंत आकर कुकी को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तीशा खुद भी जो उसके खुद के मॉम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और इस वजह से वो खुद भी टेंशन में आ गया था, और वो जो तंग को फॉलो करते हुए उन लोगों के बेडरूम में चला जाता है। तब तंग डॉक्टर को कॉल करता है और जल्दी से डॉक्टर को उसके घर में आने के लिए कहता है। फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर जो तंग के घर में आ जाता है। आने के बाद डॉक्टर जो तंग को अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मिस्टर किम क्या हुआ है, अब क्या ठीक है। तब तंग कहते हैं, नहीं कुकी ठीक नहीं है, प्लीज़ जल्दी से आइए। और ये कहकर डॉक्टर को तंग जल्दी से अपने रूम में लेकर जाता है और कुकी को चेक करने के लिए कहता है। तब डॉक्टर जो कुकी को कुछ सेकेंड तक चेक करता है और उसके बाद उसके पल्स को चेक करता है। तब वो वहाँ पर जो और एक हार्ट बीट फील कर पा रहा था। तब डॉक्टर जो इसे फिल करने के बाद जो फिर से और एक बार चेक करता है, क्योंकि डॉक्टर को अभी भी ये बहुत ही अच्छे तरह से याद है कि कुकी कुछ सालों से उसके पास से मेडिसिन ले रहा था ताकि वो कभी भी प्रेग्नेंट ना हो, और इस वजह से डॉक्टर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर वो खुश था। फिर डॉक्टर जो तंग को कहते हैं, मिस्टर किम आप दोनों क्या श्योर हैं। तब तंग कहते हैं, किस बात के लिए। तब डॉक्टर कहते हैं, आप लोग क्या फैमिली प्लान करने के लिए रेडी थे। तब तंग कहते हैं, डॉक्टर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मैं हमेशा से ही रेडी थी। तब डॉक्टर कहते हैं, नहीं असल में मिस्टर किम आपके हस्बैंड 5 ईयर्स से मेरे पास से मेडिसिन ले रहा था, तो फिर मुझे लगा कि अब उसे का बेबी आपको बेबी नहीं दे सकता है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगा। तब तंग कहते हैं, किस बारे में बातें करना चाहते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं, अब दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तब ये सुनकर तंग जो शॉक हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, ये सच है कि वो मेडिसिन ले रहा था और मैं ट्रस्ट करने लगी थी, इतने सालों से मेडिसिन लेने के बाद शायद आप लोग और पेरेंट्स नहीं बनेंगे। तब तंग ये सुनकर जो थोड़ा सा और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते कि कुकी कैसे उससे ये सारी बातें भी छुपा सकता है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब तंग कहते हैं, ओके डॉक्टर और मुझे क्या करना होगा। तब डॉक्टर कहता है, आप सिर्फ कुकी के साथ बातें कीजिए। तब तंग कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर और कुछ मेडिसिन। तब डॉक्टर हाँ कह देता है और कहते हैं, सिर्फ उसे ठीक टाइम से फूड लेने के लिए कहना ताकि उसकी सेकेंड टाइम मिसकैरेज ना हो, क्योंकि अब इसकी 20% चांस है, तो फिर अब आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा और उसे ठीक टाइम से एवरीडे फूड लेना होगा और मेडिसिन ज़रूर लेना होगा। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। तब डॉक्टर जो बो डाउन करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तब तंग सिर्फ कुकी की तरफ ही देखने लगता है। तब तीशा कहता है, डैड मॉम को क्या हुआ है। तब तंग कहता है, तुम अपने रूम में जाओ, बाद में बातें करेंगे। तब
ये सुनकर तीशा जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो उसके बाद हमें अपने सिर हिलाते हुए जो रूम से बाहर चला जाता है। और तंग सिर्फ वेट कर रहा था कि कुकी कब नींद से उठेगा। फिर कुछ मिनट बाद कुकी जो अपने सेंस में आ जाता है, तब तंग अपनी कूल वॉइस में कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम मुझसे ये सब कुछ भी छुपाए हो, तुम मुझसे इतना कुछ क्यों छुपा रहे हो कुकी, मुझसे इस बात का आंसर करो। तब कुकी कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं क्या छुपा रही हूँ। तब तंग कहता है, तुम कब से पिल्स ले रहे थे ताकि हम लोग पेरेंट्स ना बने। तब कुकी मैं सुनकर शौक होकर कहता है, किसने तुम्हें बोला है। तब तंग कहता है, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं और इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे क्यों ये सब कुछ छुपा रहे थे। तब ये सुनकर कुकी एक सेकेंड के लिए शौक था, पर वो दिल से खुश भी था, पर वो कहीं ना कहीं अब सोच रहा था कि तीशा की मॉम भी वापस आ गया है, अब क्या होगा, अब क्या तंग उसे छोड़ देगा। जितनी भी ज़्यादा उसके दिल कहीं ना कहीं ये क्यों ना कहे कि तंग उसे धोखा नहीं दे रहा है, पर फिर भी उसे अभी भी डर है। और वो तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ तंग मुझे छोड़कर मत जाना। तब तंग अचानक से कॉन्फ्यूज था, क्योंकि अचानक से इतनी ज़्यादा घबराने क्यों लगा है। तब तंग जब देखता है कुकी अब रोने लगा है, तब तंग तुरंत उसे हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ मत रो, देखो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। तब कुकी कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, सिर्फ मैं तुम्हें चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तब तंग कुकी को शांत फील करने लगता है और कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगी। तब कुकी कहता है, अब तीशा की मॉम भी वापस आ गया है, सिर्फ उसके पास से दूर रहना। तब तंग कहता है, मैं उसे पसंद ही नहीं करती हूँ, तो फिर मैं क्यों उसके पास जाऊँगी, मैं सिर्फ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। तब कुकी ये सुनकर जो तंग को फिर से कहता है, तो फिर मुझे सुनकर नहीं जाओगे ना। तब तंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, अब फिक्र मत करो। तब कुकी जो तंग को अभी भी बहुत ही टाइटली हक करके रखा था और वो उसे सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वह बहुत भी ज़्यादा डर रहा था। तब तंग सिर्फ उसे कंसोल फील कर रहा था, क्योंकि तंग खुद भी शॉक था कि कुकी उसके साथ अचानक से ऐसा कर रहा है। कुछ देर पहले भी उसके साथ फाइट कर रहा था, पर अब ऐसा नहीं कर रहा है। और इस वजह से तंग थोड़ा सा खुश था कि पहले की कुकी वापस आ रहा है और वो चाहता है पहले की कुकी ही वापस आ जाए। और वो जो ऐसे ही कुकी को हक करके रखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।